आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे एनिमे के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर के बारे में। एंड इन कैरेक्टर की सबसे बड़ी पावर ये नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है या बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, इनकी सबसे बड़ी पावर होती है ब्रेन एंड थिंकिंग कैपेबिलिटीज। ये किसी भी प्लान को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि इनके मरने के बाद भी वो प्लान काम करे एंड वो वापस लाइफ तक में आ जाए। यस, यू नो मैं किस कैरेक्टर में बात कर रहा हूँ। एंड ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, एंड ऐसे भी कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड अपना काम करवा सकते हैं। एंड दे डज नॉट नीड द पावर टू फाइट, वो किसी और से भी फाइट करके अपना काम निकलवा सकते हैं। एंड उनकी जो स्मार्टनेस होती है वही उनकी सबसे बड़ी पावर होती है। एंड ये देखने में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग रहता है कि कोई भी कैरेक्टर अपना ब्रेन का यूज करके अपने दिमाग से कोई भी चीज कैसे कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड कुछ तगड़ा कमेंट करके जाना इस बार। एंड आपके हिसाब से सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है एनिमे में, ये भी कमेंट जरूर कर देना। तो नंबर 10 पे आता है सेनकू फ्रॉम डॉक्टर स्टोन। सेनकू एक बहुत ही ज्यादा जीनियस बंदा है, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छा था साइंस में, मैथ्स में एंड फिजिक्स में एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स में। भाई वो वैसा बंदा है कि भाई हमारे जैसे 100-200 दिमाग मिला दो तब उसका एक दिमाग बनता है। एंड उसकी IQ 100 से 200 के बीच में है एंड वो हर तरीके की साइंस में मास्टरी कर चुका है। एंड वो स्टोन एज में भी मॉडर्न एज की बहुत सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज को भी वापस बना चुका है। एंड करेंट सीजन में वो एक बहुत ज्यादा तगड़ा काम करने जा रहा है जो कि अभी तक के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी नहीं अचीव कर पाई है। तो जस्ट वॉच डॉक्टर स्टोन, इट इज गोइंग अमेजिंग राइट नाउ। तो नंबर 9 पे हमारा आता है शिकामारू फ्रॉम नारुतो यूनिवर्स। शिकामारू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है एंड ये पूरे लीफ विलेज में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने वॉर के टाइम पे जहाँ पे इसके फादर मर चुके थे वहाँ पे उसने अपने दिमाग को काम करके एक ऐसी टेक्निक बताई जिससे वो टेंटेल को काबू में कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो बाद में उतना काम नहीं आया था बट उस प्लान ने उस टाइम टेंटेल को कंट्रोल में कर लिया था। एंड उस टाइम पे खुद के ब्रेन को काम करके ऐसे सोचना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। एंड करेंटली ये थोड़ा सा स्पॉइलर है बट शिकामारू करेंटली अभी होकागे भी बन चुका है, तो वो ये शो करता है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि पावर की जरूरत नहीं पड़ी उसे होकागे बनने के लिए, बट वो फाइट भी बहुत अच्छी खासी कर ही लेते हैं। एंड नंबर 8 पे हमारा कियोटा का आयाना कोजी। आई एम सॉरी अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी तो तो ये है फ्रॉम क्लासरूम ऑफ एलाइट। भाई अगर आपने मैनिपुलेटर्स के बारे में सोचा है एंड कभी पढ़ा है कभी देखा भी है तो यू नो आयाना कोजी, ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन होल एनिमे वर्ल्ड। भाई ये जो चाहता है वो करवा सकते है किसी बंदे से। एंड हमने एनिमे में देख रखा है कि ये बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कर रखा है अपने फायदे के लिए। ये किसी भी पर्सन को पर्सन की तरह नहीं देखता, ये उसे टूल की तरह देखता है। एंड ये एक क्लासरूम ड्रामा में इसका सेट होना भाई इसे एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। एंड आयाना कोजी नंबर 8 पे आते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है एंड ही डिजर्व्स कि वो इस प्लेस पे आते हैं। एंड नंबर 7 पे आते हैं आर्मिन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। आर्मिन बचपन से एक फाइट करने वाले कैरेक्टर नहीं रहा है बट वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो अपने ब्रेन का यूज करके बहुत अच्छे तरीके किसी भी सिचुएशन का हैंडल कर लेता है। एंड एरविन स्मिथ जो कि उस टाइम पे कमांडर थे सर्वे कॉप्स के, उन्होंने भी चूज किया था आर्मिन को ही अपना सक्सेसर के तौर। उसी ने उस वक्त वॉल में छुपे हुए आर्मर टाइटन को भी फाइंड किया था। एंड यस, आर्मिन एक बहुत ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है। एंड तो नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं हमारा किंग मेरुम फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। यस, ये वही एंटेगनिस्ट है जिसे आपने देखा होगा, थोड़ा सा एलियन थोड़ा सा अजीब सा ही दिखता है। ये कैमरा एंट्स की प्रजाति से है बट ये अपने जन्म कुछ दिनों बाद में ही ये इतना ज्यादा स्मार्ट रहता है कि किसी भी इसको तुरंत डिकोड कर लेता है। एंड ये अगर किसी भी गेम को खेल ले तो वो उस गेम को खेलने का भाई वो उस रीजन के चैंपियन तक को हरा देता था हर बार। एंड ये थोड़ा सा मर्सिलेस था कि हराने के बाद उन्हें मार भी देता था, बट ये अगर कोई भी गेम खेल ले तो वो उस गेम में हमेशा के लिए चैंपियन हो जाता था। ये उसकी इंटेलेक्ट को शो करते है कि वो किसी भी गेम के पैटर्न को समझ के उसे एनालाइज करते हैं एंड वो एक ऐसा गेम प्ले तैयार करते हैं जिसे कोई हरा ही ना सके। एंड ब्रेन के साथ साथ इसके पास बहुत सारी तगड़ी फाइटिंग स्किल्स भी थी। इसे हराने के लिए जनरल नटर को मरना पड़ा था बट फिर भी ये मरा नहीं था। बट ये बहुत ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है एंड आई गेस ये हंटर एक्स हंटर में करेंटली सबसे ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर भी है। एंड नंबर 5 पे
हमारा कोरो सेंसेई फ्रॉम असासिन्स क्लासरूम। भाई कोरो सेंसेई हर टॉप 10 लिस्ट में किसी न किसी तरीके से आए ही जाते हैं। ये टॉप 10 स्पीडेस्ट कैरेक्टर में भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसे भी लगा दूंगा, तो उसे भी देख लेना, बट पहले ये वीडियो देख। एंड कोरो सेंसेई एक एलियन है जो कि किसी दूसरे वर्ल्ड से है एंड वो हमारे अर्थ पे आके, एंड कोरो सेंसेई इतना स्मार्ट है कि अर्थ के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स भी इसे बीट नहीं कर सकते थिंकिंग में, एंड कुछ टॉप के असैसिन्स भी इसे मार नहीं पाए थे अपने प्लान्स में फंसा के, कि इतना ज्यादा स्ट्रांग था ये, उनके मूव को पहले फॉरसो कर लेता था एंड हमेशा बच जाता था किसी भी अटैक से। तो नंबर 4 पे आता है ललूश बी विटेनिया। ललूश पूरे एनिमेवर्स में सबसे ज्यादा तगड़ा मास्टर टैक्टिशियन है एंड ये ब्रिटेनियन आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एंड ये इतना ज्यादा तगड़ा टैक्टिशियन है कि ये किसी भी हारती हुई पार्टी को किसी भी तरीके से वॉर जिता सकता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गेम्स, ये चेस में तो एक्सपर्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में किसी को भी चेस में हरा सकता है, बट ये किसी को भी वॉर जिता सकता है, वो भी किसी भी वीक या हारती हुई पार्टी को, किसी भी वीक हारती हुई कंट्री को वॉर जिता सकता है टू किसी भी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स को। बट जब इसके पास वो अमेजिंग पावर लगती है जहाँ पे ये किसी भी कैरेक्टर को ऑर्डर देके उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो ये देखना और ज्यादा अमेजिंग हो जाता है कि ये अपने पावर्स को कैसे यूज करता है एंड ये अपने पावर एंड अपने ब्रेन को एंड ये दोनों को एक साथ कैसे यूज करता है एंड ये अपने ब्रेन को यूज करके कैसे एक रिवेंज लेता है, देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तो ललूश नंबर 4 पे डिजर्व करता है एंड ये बहुत ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है। एंड नंबर 3 पे आता है हमारा लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट। एंड लाइट जितना ज्यादा स्मार्ट हमें दिखाया गया है डेथ नोट में, अगर वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि डेथ नोट किसी भी वे में एक लेजेंडरी एनिमे हो सकता था। डेथ नोट लेजेंडरी ही है हमारे लाइट यागामी की वजह से एंड उसके तगड़े तगड़े प्लान्स के बारे में, जहाँ पे वो सब जानते हुए भी अनजान बनने का जो नाटक रहता है भाई, वो अलग ही लेवल पे है। एंड लाइट यागामी बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव आदमी है, ये किसी को मैनिपुलेट करके कुछ भी करवा सकता है एंड ये अदर कैरेक्टर्स को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जैसे वो टूल सेंस के लिए। एंड नंबर 2 पे आता है जॉन लिबर्ट फ्रॉम मॉन्स्टर। कसम से भाई ये बंदा, भाई ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है एंड इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं कि लाइट के पास डेथ नोट थी उसके किसी प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए एंड वो उसकी पावर्स को भी यूज करता था अपनी मेमोरी को वाइप करने के लिए। बट हमारा जो कैरेक्टर जॉन है वो बिना किसी पावर्स के इतना स्ट्रांग है कि वो लाइट के हाथ से उसका ही नाम डेथ नोट में लिखवा के उसे मरवा दे। भाई ये वैसा बंदा है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। एंड जॉन एक रियल लाइफ मॉन्स्टर है जो किसी को भी कमांड देके कुछ भी फॉलो करवा सकता है एंड वो ऐसी कमांड होती है कि लाइक जॉन ने किसी को हिप्नोटाइज कर लिया, बट ये 100% एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है एंड ये पूरे एनिवर्स में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। एंड आई नो कि कुछ लोग में से आप बोल रहे हैं कि ये नंबर 1 डिजर्व करता है, बट वेट, ये जो कैरेक्टर है वो जॉन से भी ज्यादा स्मार्ट है एंड ये कैरेक्टर स्मार्टेस्ट है ऑफ ऑल एनिमे हिस्ट्री। ये आई एम टॉकिंग अबाउट लॉर्ड सासुके आइजन। आइजन वन ऑफ द नहीं, ये स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है ऑफ ऑल टाइम एंड ये तो स्मार्ट इसलिए है बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर हिज प्लान। मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी उसने प्लान किया है एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी उसी ने प्लान किया है। आई मीन टू से पूरी की पूरी ब्लीच उसके राइटर ने नहीं, हमारे सासुके आइजन ने लिखा है। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास बाय बर्थ एक प्लॉट आर्मर होता है एंड वो अलग ही कैरेक्टर्स होते हैं सबसे, बट हमारे जो सासुके आइजन है उसी ने प्लान बना के इचिगो को पैदा किया। एंड हमारे जो सासुके आइजन है उसी के प्लान से इचिगो अभी जो है वो उसी का प्लान के वजह से था एंड हमारे आइजन ने इचिगो की पूरी लाइफ लिखी, उसकी सारी के सारी फाइट, वो कहां जाएगा, किससे लड़ेगा एंड एवरीथिंग। एंड आइजन सालों से पूरे सोल सोसाइटी पे राज कर रहा था एंड किसी को भी पता नहीं चला कि वो कैसे क्या कर रहा है। तो 2024 में ब्लीच आने वाला है एंड उसमें हमें देखने वाले लॉर्ड आइजन, जहां पे वो सोल सोसाइटी में वेट कर रहे होंगे यावाज का। ये थोड़ा सा स्पॉइलर है बट हु केयर्स। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि लॉर्ड सासुके आइजन सब ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। तो ये वीडियो था अबाउट टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। आप अपना फेवरेट एंड आपका स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कमेंट में मुझे ड्रॉप करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।